हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में आप देख सकते हैं हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल फंक्शंस को कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉजिकल फंक्शंस हैं एंड और नॉट इफ इफ एरर। तो चलिए सबसे पहले हम एंड को कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है ट्रू या फॉल्स में आपको शो करेगा। तो एंड का जो यूज है, अगर आपके पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं या टू लॉजिकल वैल्यूज हैं जिनको आप कंपेयर करके आपका आउटपुट ट्रू और फॉल्स को शो करना है। बट एंड का जो यूज होगा, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ट्रू होना जरूरी है, तभी ये आपको आउटपुट शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये दोनों वैल्यू अगर आपके फॉर्मूले में फिट हैं, तो दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो तभी ये आपको ट्रू शो करेगा। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो इस केस में वो फॉल्स को एज अ आउटपुट शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू एंड फॉर्मूला हम यहाँ पर एक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वैल्यू सेल का रेफरेंस ले लेंगे ग्रेटर देन 40 कॉमा, फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन लेस देन 80, तो ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। तो इस केस में दोनों कंडीशंस हमारे ट्रू हैं, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा आउटपुट एज अ ट्रू शो करेगा। तो देखिए आप यहां पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है ग्रेटर देन 40, तो यहां पर 50 तक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। बट यहां पर लेस देन 80, तो यहाँ पर D5 जो है लेस देन 80, तो यहाँ पर 80 से लेस है, तो सेकेंड कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। अगर इक्वल टू की कंडीशंस यहाँ पर दे देंगे आप, तो ये ट्रू हो जाएंगे, दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा D5 में जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे वो ट्रू में शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू में शो किया। अगर आप यहाँ पर 90 वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पर वो फॉल्स शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फॉल्स शो कर चुका है। अगर दो में से एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एंड के केस में, एंड के लॉजिकल फंक्शन में, तो ये यहाँ पर फॉल्स शो करेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन हमारे पास है और, तो यहाँ पर दो में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला ट्रू एज इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू में शो करेगा। अगर दोनों कंडीशन फेल्स हो जाएंगी तो वो यहाँ पर फॉल्स शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर और ब्रैकेट, अब हमारे जो फर्स्ट इस सेल में जो है इक्वल टू D8 इक्वल टू बॉय डबल कोटेशन क्योंकि टेक्स्ट है, फिर उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है फिर इक्वल टू डबल कोटेशन गर्ल डबल कोटेशन ब्रैकेट कंप्लीट, क्योंकि इस केस में दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो यहां पर वो ट्रू शो करेगा, क्योंकि अगर दो में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू शो करेगा, अगर दोनों कंडीशंस रॉन्ग हैं, फेल हो गए, तो वो यहां पर फॉल्स शो करेगा। तो आप देख सकते हैं फिलहाल वो ट्रू शो कर रहा है। फिर यहां पर मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूं, मान लीजिए मैं यहां पर कुछ नेम ले लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन हमारी फेल हो चुकी है, फिर भी ये यहाँ पर ट्रू शो कर रहा है, क्योंकि एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। अगर सपोज इस कंडीशन को मैं यहाँ पर गर्ल कर देता हूं तो ये फॉल्स में शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉल्स में इसका आउटपुट शो कर चुका है, क्योंकि और की जो लॉजिकल फंक्शन की जो कंडीशन है, दो में से एक आर्ग्यूमेंट में से एक को एग्जीक्यूट होना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर नॉट, नॉट का जो यूज है एक्चुअली लॉजिकल फंक्शन में, जो भी अगर आप सपोज ये जो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, इसके रिवर्स हमें वर्क करना है, मतलब ये यहाँ पर अगर फॉल्स है तो यहाँ पर नॉट में उसका रिवर्स जो है ट्रू आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू इसी सेल का रेफरेंस हम दे देंगे और ब्रैकेट को कंप्लीट कर लेंगे, अब ये यहाँ पर ट्रू शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट का जो यूज है वो रिवर्स केस के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन है यहाँ पर इफ, इफ को यूज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम
वन ले चुके हैं। तो ये मैक्सिमम इफ कंडीशन सबसे ज्यादा लॉजिकल फंक्शन यूज होता है। तो इसको यूज करने के लिए हम एक यहां पर एग्जांपल ले लेंगे इक्वल टू इफ। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो वन है, अगर यहां पर इस सेल में एच थ्री में अगर वन लिखा है तो यहां पर हम इसको एच इक्वल टू वन अगर है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ऑन आएगा। अगर इस सेल में वैल्यू वन है तो उसका जो आउटपुट होगा वन होगा। अगर इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो वो ऑफ शो करेगा। तो यहां पर हम फिर कॉमा देंगे, फिर इफ कंडीशन को डाल देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो यहां पर ऑफ आएगा, फिर डबल कोटेशन ब्रैकेट कंप्लीट। तो हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहां पर एस्पेक्ट क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑन है, तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ऑन चाहिए हमें। तो आप देख सकते हैं यहां पर वन है तो ऑन शो करेगा, अगर मैं यहां पर जीरो को इसको टाइप कर दूं तो ये ऑफ शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये ऑफ डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास लॉजिकल फंक्शन में है इफ एरर, उसको आप एरर्स को चेक करना चाहते हैं तो यहां से इफ एरर का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या तो फिर उसकी फर्दर कैलकुलेशन करके आप शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से अगर कुछ वैल्यू में अगर एरर शो करे एक पर्टिकुलर सेल में तो आप वहां पर मैसेज एड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं इक्वल टू इफ एरर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद इस सेल का जो रेफरेंस है यहां पर दे देंगे, यहां पर कॉमा, फिर यहां पर एक मैसेज लिख देंगे देयर इज सम प्रॉब्लम ब्रैकेट कंप्लीट एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेल में आपको यहां पर प्रॉब्लम शो कर रहा है। अगर यहां पर मैं जीरो कर दूं तो ये यहां से डिस्प्ले जीरो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा है। तो उसको कंट्रोल प्लस जेड कर लेंगे। तो इस तरह से आप लॉजिकल फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।